जय हिंद सभी को मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का टॉप तक में स्वागत करता हूं आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे परंतु बच्चों देखिए मैं एक बात आप सभी से कहना चाहता हूं मुझे लगता है कि हर बच्चे को न्याय मिलना चाहिए और न्याय हर किसी के लिए बराबर होना चाहिए कोई भी न्याय से वंचित नहीं रहना चाहिए यानी कि अगर किसी के लिए अच्छा हो रहा है तो मैं चाहता हूँ हर बच्चे के लिए अच्छा हो जैसा कि अभी हाल फिलहाल में आप देखोगे रेलवे बोर्ड ने बहुत कुछ अच्छा करा है बच्चों के लिए अच्छा इन द सेंस की चीजों को तेजी से किया है एनटीपीसी के हों चाहे ग्रुप डी के हों जो बात कही उसी डेट पर चीजें चल रही हैं बट कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ अभी भी गलत हो रहा है वो आपका कोई भाई हो सकता है बड़ा भाई हो सकता है कोई पड़ोसी चाचा ताऊ का लड़का हो सकता है वो बच्चे कौन है और साथ ही साथ मेरे भाई एक मैसेज और एक मतलब प्रॉपर मैसेज रेगुलर बेसिस पर आ रहा है कि सर जब फॉर्म भरे गए थे और उसके बाद जब मेरे भाई क्लोजिंग डेट थी बारह अप्रैल 2019 की जब ग्रुप डी के जो फॉर्म की क्लोजिंग डेट थी उसके बाद मैंने अपने डॉक्यूमेंट बनाया कोई कह रहा है ईडब्लू के डॉक्यूमेंट बाद में तो अगर मैंने वो डॉक्यूमेंट बाद में बनवाए हैं तो क्या वह मान्य है या नहीं और वो कौन से बच्चे हैं जिन्हें न्याय मिलना चाहिए तो देखिये मैं दोनों ही चीजों पर इन दोनों को एक दूसरे से रिलेट करते हुए मैं आपको बताता हूँ ईडब्ल्यू की अगर बात बताऊं क्योंकि ये तीन चार दिन में मेरे पास बहुत ज्यादा मैसेज आया तो देखिये अभी कुछ दिन पहले आप ये मान लीजिए ये नोटिस आया था

वो तो आपके लिए मान्य रहेगा परंतु तो देखिए मुद्दा क्या है कि अगर आ, जैसा कि ईडब्ल्यू हो गया या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर उन्होंने इस तरह की छूट दी है लोगों को और अच्छा भी लगता है कि यार वो बच्चों के हिसाब से सोच रहे हैं ठीक है और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें एक चीज और करनी चाहिए जो मुझे लगता है पर्सनली और वो बहुत सारे बच्चों को भी लगेगा आप भी कहोगे सर सही बात है देखिए ये जो बच्चे हैं ये बच्चा कुछ दिन पहले मैंने वैसे दिखाया था बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता है ये समझ लीजिए और ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे देश में और इसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है घर की इस बच्चे ने अप्रेंटिस करा किससे रेलवे से अब रेलवे से अप्रेंटिस इसने क्यों किया होगा इसने इसलिए तो किया होगा कि कभी ग्रुप डी के फॉर्म निकलेंगे तो मैं उसमें रेलवे अप्रेंटिस का ये मतलब जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है जो भी उसमें टिक लगाऊंगा कि मैंने अप्रेंटिस कर रखी है परंतु देखिए 2019 में फॉर्म निकले अब 2021-22 होने को आ गया इसमें उस बच्चे की गलती है उसने अपने सही समय पर अप्रेंटिस कर लिया था अगर मैं आपको टाइमिंग की बात बताऊं तो उसने अप्रेंटिस कर लिया था मेरे भाई कब 12 फरवरी 2019 से लेकर 11 फरवरी 2020 यानी 2020 फरवरी मैं कहीं कही ना कहीं इसका अप्रेंटिस हो गया था उस 2020 से लेकर आज तक देखा जाए तो दो एक साल बीत चुके हैं इन दो सालों में कभी भी फॉर्म निकलते इसीलिए तो इस बच्चे ने करा हुआ देखिए कोई भी गरीब घर का बच्चा कुछ भी करता है वो तो उसके पीछे एक लॉजिक होता है कि मैं ये चीज कर लेता हूँ इसने अपना टाइम बच्चे ने यहां दिया होगा मेहनत की होगी इसने सोचा होगा कि यार जैसे ही वो फॉर्म निकलेंगे मैं वहां पर अप्रेंटिस का अपना टिक लगाऊंगा और मैं अपनी जॉब को आसानी से हासिल कर पाऊंगा एक ऐसी जॉब जिससे मैं अपने घर वालों के मतलब की काम आ पाऊंगा एक अच्छी जिंदगी घर वालों को दे पाऊंगा परंतु फॉर्म बहुत दिन हो गए फॉर्म तो क्या मतलब भर्ती क्लियर नहीं हुई इसमें चलो देखिए उस बच्चे की कोई गलती नहीं है परंतु इस बच्चे के लिए अब क्या किया जा सकता है देखिए होता क्या है जितना भी एक लाख या कुछ वैकेंसी है ग्रुप डी में उनके बीस परसेंट पर इनका हिस्सा है ही है यानी कि अगर इन बीस परसेंट यानी बीस हजार भर्तियों की बात करें उनमें से आपको वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला ये बीस अगर भर गई तो ठीक है नहीं तो खाली ही चले जाती है तो क्यों ना ना जो बच्चे बाद में भी अप्रेंटिस कराए जैसे कि बाद में डॉक्यूमेंट जैसे किसी का बाद में वाले वाले हो गए उनके बाद डॉक्यूमेंट्स भी तो मान्य है ना और वो अच्छी बात भी है तो इसी तरह से इनके लिए भी कह दिया जाए कि भाई या तो मोडिफिकेशन लिंक दे दिया जाए नॉर्मल सा या फिर कुछ भी कि भाई एक नोटिस निकाल दिया जाए कि अगर कोई भी अगर कोई भी बच्चे ने बाद में भी करा है तो वो उसका मान्य हुआ है मोटिफिकेशन लिंक डालकर उस पर अप्रेंटिस पर ये क्लिक कर पाए क्योंकि देखिए कोई भी बच्चा कुछ चीज़ से करता है ऐसे आप आप ये मानिए आपने करी अब करने के बाद जब बाहर आते हो तो आपको पता बताते हैं कि अभी आपके लिए कोई जॉब नहीं है तीन साल बाद बी करने के बाद आपके पास जॉब आएगी बच्चे क्या गलती है नहीं तो अगर मेरे भाई इसने ये मेहनत करके कुछ भी चीज करी और ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं जो अपने हमेशा देखो ये सारी मेहनतें कौन कर रहा है बच्चा कि अपने परिवार को खुश रख सके बट अगर कुछ भी करने के बाद अगर उसको उसके हक्का नहीं मिलता तो बच्चे को बुरा लगता है ये बच्चा मतलब पर्सनली कनेक्ट में है मेरे साथ और इसने मतलब दो तीन बार कहा गुरु जी मुझे बहुत बुरा लगता है मैंने बहुत मेहनत से करी थी ठीक है और मतलब इसका मैं क्या यूज नहीं कोई यूज ही नहीं कर पाया यार मेरी क्या गलती है इसमें तो मैंने मेहनत से करा कोई चीज़ ठीक है घर में इतनी दिक्कतें हैं तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज्यादा शेयर करके आप दूर तक पहुंचे और साथ ही मैं एक चीज और शेयर करने से पहले एक चीज और जो छोटी सी बताना भूल गया साथ ही साथ एक ट्विटर है मतलब सॉरी ट्विटर पे एक हैशटैग चलाना है आपको चाहे आपने अप्रेंटिस वगैरह करी है या नहीं भी करी तो बट आपका कर्तव्य बनता है क्योंकि देखिए आप जब किसी के साथ खड़े होंगे तभी आपके साथ भी कोई खड़ा होगा मेरा फर्ज बनता है मैं चाहता तो मैं इन बच्चों के लिए कुछ नहीं बोलता तो मेरा कुछ बिगड़ थोड़े था परंतु होता क्या है आज हम इनके पास काम आएंगे तो कल को कहीं ना कहीं ये हमारे काम आएंगे तो हम सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं तो हमेशा खड़ा रहना है एक दूसरे के साथ तो एक हैशटैग टैग हैश टैग बड़े अक्षरों में फिर ये अंडर स्कोर फिर जी बढ़ाए ग्रुप फिर डी बढ़ाए ठीक है थीके? आप वैसे सी, सी, सी ए डालोगे तो सीधा ये सी सी ए ग्रुप डी मोडिफिकेशन आफ्टर दो हजार उन्नीस रेलवे मंत्री ठीक है ये आ जाएगा आप इसको रिट्वीट कर सकते हो साथ ही साथ मैं भी थोड़ी देर में अपने ट्विटर पर डलवा दूंगा मेरा ट्विटर है आप राहुल देसवाल मैच डालोगे राहुल देसवाल मैच तो मैं आपको ट्विटर पर मिल जाऊंगा या फिर मैं आपको लिंक इस वीडियो के नीचे डलवा दूंगा अपने ट्विटर का अगर आप इसको डालने में गलती करो तो आप मेरे ट्विटर पर जाकर वहां पे मैं लिंक वो ये वाला हैशटैग डाल दूंगा इसे आप रिट्वीट कर देना ठीक है भाई